दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बता रहे हैं आपका पास कोई भी डिजिटल साइन हुआ डॉक्यूमेंट को कैसे Adobe PDF रीडर का अंदर उसको डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करना, यानी कि इस तरफ टिक मार्क आना है। तो इस टिक मार्क के द्वारा आप अपना डॉक्यूमेंट को डिजिटल साइन को अपने PDF रीडर से वेरीफाई कैसे करना है, इसका बारे में हम यहाँ पे आपको वीडियो में बता रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक आधार कार्ड का एक डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट को मैंने यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट पासवर्ड प्रोटेक्ट है, जिसको मैंने राइट क्लिक करके ओपन विथ Adobe रीडर से ओपन करना है। तो जब Adobe रीडर आपको ये फ्री वर्जन है, ये आपने Adobe रीडर को ऑनलाइन से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने से आपका बहुत फायदेमंद होंगे। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो गया आधार कार्ड का। यहाँ पे देखिएगा वैलिडिटी अननोन, इस वैलिडिटी को कैसे हम वेरीफाई करेंगे इसका बारे में तो हम आपको यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सिग्नेचर है इसको डबल क्लिक करके ओपन कर देना। तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर वैलिडेशन स्टेटस आएगा, यहाँ पे आपको सिग्नेचर प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है। तो सिग्नेचर प्रॉपर्टीज के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे सो साइनर सर्टिफिकेट के ऊपर ही आपको जाना है, क्योंकि आप यहाँ पे कई सारे ऑप्शन इसमें नहीं जाना है। साइनर सर्टिफिकेट के ऊपर आपको क्लिक करोगे, आपको साइनर सर्टिफिकेट पूरा शो करेगा। आपको जाना है ट्रस्ट में, यहाँ पे देखिएगा ट्रस्ट सेटिंग में सारे डिसेबल कर रखा है, तो इसको पूरा आपको ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट में ऐड करना। इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट इसको सेलेक्ट करके ओके कर देना, और यहाँ पे आप ओके करके वैलिडेट सिग्नेचर के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। विद इन फ्यू सेकंड में यहाँ पे सिग्नेचर वैलिडेट हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो जरूर इसका एक लाइक करें और आपके दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी उनके पास कोई भी डिजिटल साइन हुआ डॉक्यूमेंट है उसको इसी तरह Adobe PDF रीडर से आप वेरीफाई कर सकता है। तो दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप यदि इस चैनल में नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह फायदा बन उठा पाए। आपके पास कोई भी डाउट है आप हमारा कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम उसको रिप्लाई देंगे। तो हम फिर मिलेंगे अगली नया टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।